ऐश्वर्य राय बच्चन इन दिनों मणिरत्नम के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में है। खबर है कि ऐश्वर्य राय मणिरत्नम की फिल्म में अहम भूमिका निभाती नजर आ सकती है। दरअसल काफी समय से बॉलीवुड की गलियारों में से यह खबर आ रही है कि मणिरत्नम और ऐश्वर्य राय के बीच एक फिल्म को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिरत्नम लेखक कल्कि द्वारा लिखी गई एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल पोनियन सेल्वन पर फिल्म बनाने का विचार कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर ऐश्वर्य राय बच्चन के अलावा कई बड़े सितारों का नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो मणिरत्नम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया है। निर्देशक मणिरत्नम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अमिताभ बच्चन, महेश बाबू, विक्रम और जयराम रवि जैसे कई सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तक इस खबर पर किसी भी सितारे ने कन्फर्मेशन नहीं दी है, लेकिन इन सबके बीच सबका ध्यान अगर किसी ने खींचा है तो वो है ऐश्वर्या राय बच्चन। खबर है कि इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन का ग्रे शेड देखने को मिलेगा। इंडिया टुडे के करीबी सूत्रों की माने तो साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू को फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन के पति का किरदार निभाने के लिए अप्रोच किया गया है। ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी एक फिल्म के बारे में बातचीत चल रही है, लेकिन हमें अपनी बातचीत वापस वहीं से शुरू करनी होगी जहां पर हमने छोड़ी थी। मणि मेरे पसंदीदा फिल्म मेकर से एक है। हालांकि इस फिल्म को लेकर अब तक ऐश्वर्या राय बच्चन ने कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दी है। हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म बुंदे खान में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर और राजकुमार राव भी मुख्य भूमिका में थे। हालांकि ये फिल्म बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हम आपको बता दें कि काफ़ी समय के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन साथ में गुलाब जामुन में काम करने वाले थे। इस फिल्म का निर्देशन सर्वेश मेहरा करने वाले थे, लेकिन इन दोनों ने कुछ समय पहले ही इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। वेल, तो फ्रेंड्स, आप ऐश्वर्या की नई फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें।